तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो भी, और अगर आप मेरे प्लेटिनम मेंबर हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर आपका कोई भी एक एक्स वाई जेड कैपिटल है 50,000 या 1,00,000, तो आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। 2 लॉट लेने चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी में, 4 लेने चाहिए, 1 लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे निकालना चाहिए, टारगेट कैसे निकालना चाहिए, क्या है मेरे रूल्स ट्रेडिंग के, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके ना होने से ट्रेड सही जाने के बावजूद बहुत सारे लोग नुकसान खाते हैं, और ये चीज़ आपके साथ ना हो इसके लिए आपके लिए वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। सीधा चलते हैं एक मैसेज पे, ये है गुड मॉर्निंग मैसेज। अगर आप मेरे प्लेटिनम मेंबर हैं तो ये मैसेज आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको काफ़ी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये मैसेज जब भी आप प्लेटिनम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मेरा व्हाट्सएप है जिसमें ट्रेड्स आते हैं, क्या है प्लेटिनम ग्रुप, कैसे करते हैं वो भी बाद में बताऊंगा, बट सिंपल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मैसेज, एक कॉमन मैसेज, हर रोज़ दिन में 1 से 2 बार भेजा जाता है। आप सोचते होंगे कि भाई बार बार एक ही चीज़ क्यों भेज रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो ये एक मैसेज इतना पावरफुल है, इसको पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी बट मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट फिर भी बोलता हूँ कि भाई इट्स लाइक अ भागवत गीता, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपकी भागवत गीता है। इसमें आपको आपके हर सवाल का आंसर है, इसमें हर सवाल का आंसर है। आपको हेजिंग नहीं आता उस पर वीडियो डाल रखा है, आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं आता उस पर वीडियो डाल रखा है, आपको लगता है मार्जिन कैसे बेनिफिट लिया जाए वो समझा रखा है इस वीडियो में। यहाँ पे रूल्स का वीडियो डाल रखा है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना ट्रेल करना है, सब चीज़ डाल रखी है। बट मैं देखता हूँ कुछ लोग, 100 बंदे अगर मेंबर हैं तो 20 लोग हमेशा ऐसे होंगे जो नुकसान खाते हैं, नहीं कमा पाते, बाद में वो सोचते हैं अरे टिप्स गलत थी, बेकार थी, ब्लेम करते हैं, बट उन्होंने ये मैसेज तक पढ़ने का एफर्ट नहीं डाला होता। एक सिंपल मैसेज आपको रोज़ भेजा जा रहा है, आप उसको नहीं पढ़ रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं पैसा कमाऊं, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ, आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। तो ये मैसेज के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा, चाहे आप मेंबर हैं चाहे नहीं है, जो आपको मैंने पॉइंट्स बोले कि भाई ट्रेडिंग में क्या 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 कैसे कैसे चाहिए होता है। देखिए सबसे पहली बात, पहला रूल, अगर आपका कैपिटल 75,000 से कम है तो डोंट इवन ट्राई टू टच स्टॉक्स, स्पेशली ऑप्शंस, फोकस ओनली ऑन इंडेक्स ट्रेड्स, ठीक है, जिनके अंदर छोटा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट बढ़िया होता है। तो यानी पहला सवाल, अगर आपको स्टॉक्स और इंडेक्स में से चूज़ करना है तो आपका कैपिटल अगर 75,000 से कम है तो आपको खाली इंडेक्स पे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी आपके लिए, स्टॉक्स, हीरो, मारुति, रिलायंस, ये सब आपको अवॉइड करने हैं, चाहे कितने भी टेम्पटिंग आपको लगे। लालच जहाँ आया ना आपके मन में कि मेरा पैसा दुगना कर लूँ, तिगुना कर लूँ, मरोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सट्टे में हमेशा नुकसान होता है। लर्निंग पे फोकस करें, डिसिप्लिन पे फोकस करें, तो आपको कभी भी 75,000 से कम कैपिटल में स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाना। सेकंड पॉइंट, स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवर ऐड स्टॉप लॉस इन सिस्टम। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई लेट से ये एक लेवल है, लेट से 350 का, ठीक है, 350 का लेवल है, कोई ट्रेड दिया 370 पे बाय करने के लिए, हमने कोई ऑप्शन लिया, ठीक है, तो 350 अगर स्टॉप लॉस है तो लोग क्या करते हैं 350 सिस्टम में डाल देते हैं। जहां आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला ना, 90% टाइम वो हिट करा दिया जाएगा, जस्ट एक ऐसे ही करके, कुछ भी करके, अब आप इसको फ्रॉड कह लें, कुछ कह लें, आपका हिट हो जाएगा। टारगेट है मान लीजिए 440, तो लोग नहीं पढ़ते ये चीज़, सर आपने तो स्टॉप लॉस दिया था, हिट हो गया। होता क्या है कि 370 का ट्रेड दिया, ऑप्शन एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो ऐसे ऐसे मूव करती है, फटाफट बड़े बड़े उसमें स्विंग्स आते हैं, ठीक है, ये कब 440 हिट कर देगा पता नहीं पड़ेगा, कब 350 हिट कर देगा पता नहीं पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम में डाला तो गया, आपको सिस्टम में नहीं डालना, आपको अपने आंखों पे देखना है, अपने आपने मोबाइल में ट्रेड किया तो मोबाइल पे देखना है, आपको दिख रहा है कि भाई ये 350 के नीचे गया था 5 मिनट पहले, अब वहीं पे है 345, 49, 48, कोई बात नहीं, 2-4 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक डेरिवेटिव है जो 36-37 हज़ार के बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना चलता है। अगर हाँ ये 350 दिया हुआ है, 340 चला जाए, 10 रुपये और नीचे चला जाए, 338, 339 तक चला गया, 2-4-5 मिनट बीत गए, काट दो, 10 रुपये नीचे काट दो, अंडरस्टूड। कोई बड़ा कैंडल आया 335 चला गया 350 से नीचे, अंडरस्टूड, काट दो। 348 गया सर मैं तो काट दिया, स्टॉप लॉस हिट, अबे क्या कर रहे हो। तो ये आपको कभी सिस्टम में नहीं डालना, इट्स ओके, इट्स ओके, 2-4 रुपये का टॉलरेंस, 5 रुपये का टॉलरेंस रखना पड़ेगा आपको। टारगेट चाहे सिस्टम में हमेशा डाल के चलो, 440 का है तो मैं 430 का टारगेट, 435 का टारगेट हमेशा डाल के रखता हूँ, कि जैसे स्टॉप लॉस अपने आप हिट हो जाता है, टारगेट कुछ ऐसा ऐसा और हिट हो जाए, बढ़िया है, बिक गया माल, बढ़िया है। ऑप्शन तो ऐसी चीज़ है जिसको बेच दिया तो अच्छा, जितना जल्दी बिके उतना अच्छा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा ऑप्शन बिक जाए, कटे ना अपने आप। सेकेंड थिंग, कोई भी ऑप्शन का ट्रेड 10-15% प्रॉफिट देने लग जाए तो आपको ट्रेल करना है, या फिर उसकी स्टॉप लॉस एट कॉस्ट रखना है एटलीस्ट। यानी अब क्या होता है ना कि लोग ट्रेड लेते हैं और चाहते हैं कि भाई रातों रात करोड़पति बने, ऑप्शन में तो आप यही चाहते हो। आप एग्जांपल लो दोस्तों, आपने 200 रुपये का कोई स्टॉक लिया कैश में,
अगर वो 240 चला गया ना, तो आपको लगता है बहुत बड़ा रिटर्न आ गया, मजा आ गया, ऐसे स्टॉक चाहिए कैश में, पोर्टफोलियो में। आपको म्यूचुअल फंड वाले साल बाद 200 रुपये के पीछे 210 रुपये करके देते हैं, 210, 215, 220, आप सब FD में पैसा लगाते हैं। ऑप्शन ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको आधे घंटे में आ जाना है, 200 का ऑप्शन 220 हो जाना है आधे घंटे में। ये बड़ा रिटर्न है, 10% है, 10% की वैल्यू आधे एक घंटे में, रोज़ करते हो पता नहीं कितने हजारों परसेंट का रिटर्न हो जाता है साल में, ठीक है, लोग वैल्यू नहीं कर। अच्छा 200 का 220 ही तो गया है, कम से कम 300 तो जाए तो मैं बुक करूंगा, ये बेवकूफ़ी है, ऐसे नहीं होता। 200 का ऑप्शन 10 से 15%, यानी 220 या 230 चला गया, ये ट्रेड अच्छा हो गया। हाँ 200 का ट्रेड लिया, 200 से 205, 210 तक गया और गिरने लग गया, वो एक अलग केस है कि भाई वो तो ट्रेड में कुछ गड़बड़ है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है उसमें। बट अगर आपका 220-230 जा रहा है, अब आपको रिस्क कोई नहीं लेना, अब आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 200 पे होना चाहिए, 205 पे होना चाहिए, ताकि कुछ जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये ट्रेल करो, मान लो आपने 4 लॉट लिए, तो 2 लॉट आप बेचो, 220-230 पे 2 लॉट बेच दो, हल्के हो जाओ, ताकि आपका रिस्क खत्म हो जाए, 2 लॉट में तो कमा भी लिए, बाकी के 2 लॉट क्या पता 300 चले जाएँ, 400 चले जाएँ, क्या पता वापस आ जाएँ 200 पे, निकल जाओगे, समझ में आता है। ये चला गया थोड़ी देर के बाद 250, बहुत बढ़िया, 220 या 30 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने माइंड में रख लो, भैया मेरे को इतना हो गया, 2-3 लॉट बेच दिए, तो इस तरह से। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मल्टीपल लॉट्स में काम करना चाहिए, ऑप्शन में एक लॉट नहीं लेना चाहिए। एक लॉट क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप ट्रेल वगैरह नहीं कर पाओगे, फिर आपको जल्दी लालच होगा, या 200-220 हुआ बेच दो, 2 लॉट लिए तो क्या है ना कि अच्छा है। चलो और समझते हैं, आगे पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं, पोजीशन साइजिंग। टेक ट्रेड जिसमें आपके सिस्टम का टोटल कैपिटल का सिर्फ 5% रिस्क पे हो, यानी अगर कोई आपके पास कैपिटल है लेट से 50,000, आपको किसी एक सिंगल ट्रेड में 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना, यानी 2500 से ज़्यादा का रिस्क आपको एक सौदे एक ट्रेड में नहीं लेना। फिर क्या होगा ना, जब ये पॉलिसी है तो कोई एक ट्रेड गलत चला भी गया कोई टेंशन नहीं है, 2500 का 3000 दिया है दैट्स कम्प्लीटली ओके, हाँ, बट आप 25,000 रुपये एक ही सौदे में लूज़ कर दिए, 15,000, 10,000 लूज़ कर दिए एक ही सौदे में, वो बहुत गलत है। 50,000 रुपये का कैपिटल वाला 2500 से ज़्यादा रिस्क ना ले कभी एक सौदे में, ये उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, ये लिखा हुआ है रूल्स में, समझाया हुआ है। ये भी मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि हर बार गलत जा रहे हो तो 2500 दे रहे हो, ये मैक्सिमम है। कोई ट्रेड में लिखा हुआ है रिस्की, वहाँ 10 मतलब वहाँ पे 1000-1200 का 1500 का रिस्क लो, 2500 का मत लो, वहाँ पे कम क्वांटिटी लो। तो आप क्वांटिटी कैसे चूज़ करोगे, लेट से कोई ट्रेड है जिसमें 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 50 रुपये इसका स्टॉप लॉस है, 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, और आपको 2500 का रिस्क लेना है, तो सिंपल सी बात है आप 50 क्वांटिटी ले सकते हो। अगर ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है तो आप 50 क्वांटिटी यानी 2 लॉट दे सकते हो, 50 × 50 2500 हो गया आपका, ये 2500 रुपये का रिस्क पूरा हो गया। तो आप ये प्रैक्टिस रखोगे तो अच्छा रहेगा कि भाई हाँ मैंने तो भाई 50 क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं। अब मान लो उस ट्रेड पे लिखा हुआ है रिस्की, तो वहाँ पे आप लोगे 25। मान लो ट्रेड लिखा हुआ है कि भाई बाय करना है और नीचे कहीं पे जाएगा तो एवरेज करेंगे, तो आप 25 ही लोगे ऊपर, नीचे जाने पे एवरेज करोगे, ताकि आपका रिस्क 2500-3000 इसके ब्रैकेट के आसपास रहे। अब लोग क्या करते हैं, अच्छा अकाउंट में 50,000 है तो मैं ले सकता हूँ, वो सोचते हैं अच्छा मैं 200 क्वांटिटी ले सकता हूँ, चल ला भाई 200 क्वांटिटी पूरा ऑल इन, अब वो गलत गया तो 50,000 पूरा बाहर, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। वो गलत गया तो कैपिटल 30,000 रह गया, आधा कैपिटल लूज़ कर दिया एक गलत ट्रेड में, उसके बाद और भी ट्रेड्स दिए जा रहे हैं लेने के लिए, पैसा ही नहीं बचा सर, हम तो इसी में फंसे हुए हैं, इसका बताओ क्या करें, इसको कैरी कर लिया, अगले दिन मान लो गैप अप हो गया, आपका नुकसान हो गया। ये आपको लिखा हुआ है पोजीशन साइजिंग वगैरह के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। और लास्ट है कि डिस्क्लेमर, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, बात आपको मेरी अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो अपनी समझ से किसी जानकार से पूछ के काम करें। अब आपको अगर ज्वाइन करना है प्लैटिनम ग्रुप तो कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों सिंपल है, ये मेरा टेलीग्राम है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा या तो इस ग्रुप पे पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचते हो दूसरा तरीका, वहाँ पे स्क्रीन पे एक रीलोड का बटन होगा उसको दबाओगे फिर पहुंच जाओगे। तीसरा तरीका, नहीं पहुंचते हो, आपको ग्रुप नहीं मिल रहा तो फेक ग्रुप बहुत है, आपको क्या सर्च करना है मैं बता रहा हूँ, आपको उदय मेहरा 7801886205 ये सर्च करना है, फिर फेक ग्रुप्स नहीं आएंगे, यही ओरिजिनल आएगा, मेरा फ़ोन नंबर सर्च करना है, पहुंच जाओगे आप इस ओरिजिनल ग्रुप पे, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी फ्री में गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, दिन भर मिलती है, यहाँ पे प्लैटिनम मेंबरशिप की डिटेल्स है, फी स्ट्रक्चर है, कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, सब चीज़ दे रखी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे बाय चांस नए हो, और रेगुलर फॉलोवर हो तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आएगा।